गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से वो स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 परे भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए, भक्ति और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। भूखा भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रमाण, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ माने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम गरता आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया, फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया, अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता कोई घी लाता कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती हैं, इसमें एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो ये पांचों यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ फिर आगे चल के, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहिब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था, फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको पुण्य बन, उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहिब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार, परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे, और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली, ये सतनाम नहीं, उसमें केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने सतनाम तक, और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। तो इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते हैं, उस समय परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे। उस समय ये 5 नाम कौन से दिए थे, रंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा, और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है, इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब जो कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में, ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा, कि उनको पता था
अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सबने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए, तो परमात्मा ने कहा अभी ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन्होंने अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिख कर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इज गोड हक्का, कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार, 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सुरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाणा बोता भार ये धानक रूप करतार। तो उसमें अब पांच नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको, परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नाही। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही पांच नाम भी वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा सात नाम भी देता है, वो परमात्मा तीन नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन दो मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं, वो पांचवें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए, उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। अब तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे, बस और कुछ नहीं, वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे उसमें सत्संग के अंदर, और महापुरुष उसका अनुवाद करके सुनाते थे और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के पांच नाम भी बंद हो गए थे। पांच नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था पांच नाम, और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्माएं हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरे एजेंट छोड़ रखे हैं, जहाँ डड़ा उठा के देखे उड़े संत पावे, और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शिष्य पावे, और कह कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी, और सिख समाज को ये मंत्र इसलिए नहीं दिया कि जैसे ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते, अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत है, इनका गुरु शटार्ट से ही गुरु नहीं है, इनके जो गुरु जी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं, और यहाँ भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शिष्य बनाया, और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिलिया दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले मुझे दीक्षा दी नहीं, और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहेब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, और उस समुन्द्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सिमरन है इसका किसी पता भी नहीं लगे, जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहेब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहेब भी ये दो अक्षर का मंत्र जाप करते थे, दो अक्षर का, और नानक साहेब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो दो अक्षर के मंत्र को बता देगा,
पुणात्मा सत्कर मान लेना। इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था, उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता रहा है, और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक प्राण संगलिक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने, और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे तो उससे ही मोक्ष होगा, और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये दो अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये दो अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है, और सत फिर भी भिन्न है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था, अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, आदेश परमात्मा का इसी समय होना था। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।